नमस्कार, मैं अर्जुन बिष्ट स्वागत करता हूं आप सभी का सिटी लाइब्रेरी हल्द्वानी के फेसबुक पेज में आज की प्रस्तुति में। आज हमारे मेहमान एक उत्कृष्ट शिक्षाविद जो पिछले 2 दशकों से स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा में शिक्षण एवं प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन करते आ रहे हैं। आपको शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इग्नू, UGC, CAER जैसे श्रेष्ठ संस्थानों के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। हम स्वागत करते हैं आज हमारे वक्ता डॉक्टर LM जोशी जी का, जो आज हमसे टीचर्स फॉर टुमारो विषय पर बात करेंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर ललित। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून टू ऑल द एनलाइटेंड व्यूअर्स ऑफ सिटी लाइब्रेरी हल्द्वानी फेसबुक लाइव पेज। Myself, Dr. LM Joshi, principal of the Teachers Training College. I received this golden opportunity from the CEO of City Library Haldwani, Arjun Bisi. I'm thankful to him for availing me this golden opportunity. Also, I'm grateful to Mrs. Kiran Pandey, who introduced me to City Library Haldwani and could translate this proposal of lecturing to an event. During my lecture, during my address regarding the teachers of tomorrow, I'll prefer to be bilingual with so that most of us could understand it. So main apni baat इस पूरे दौर में दोनों भाषाओं में रखूंगा, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें इसको। आज का यह अनुभव सच मायनों में पूछो तो मेरे लिए भी नया ही है। एक घबराहट है अंदर से, घबराहट शायद स्वाभाविक है, क्योंकि जिस किस्म के माहौल में हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग प्राप्त की है उससे ये विभिन्न है, बिल्कुल अलग है। अक्सर देखा गया है कि हम लोग उसी तरीके से पढ़ाते हैं जिस तरीके से हमें ट्रेनिंग प्राप्त होती है, लेकिन हमें ट्रेनिंग जिस तरीके से प्राप्त हुई है और जो आज हम कर रहे हैं वो डिफरेंट हैं। इन जनरल, टू बी वेरी ब्रीफ, वी टीच द वे वी आर टॉट, बट दिस इज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। And I'm once again thankful to the CEO of City Library for availing me this golden opportunity to address the viewers, enlightened viewers on Facebook. आज का जो टॉपिक है जिस पर मैं चर्चा करूंगा वो कोई नया टॉपिक नहीं है, काफी पुराना टॉपिक है, अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं इस पर। तो मैं जिस जहां से शुरू होना चाहूंगा वो एक बेसिक बात है, टीचिंग एज अ प्रोफेशन। व्हेन आई से टीचिंग एज अ प्रोफेशन, द क्वेश्चन कम्स व्हाई, आखिर क्यों। अपनी बात को थोड़ा सीक्वेंस से रखने के लिए, ताकि आपका, आपके समय का इफेक्टिव यूज हो, उसके लिए मैंने थोड़ा सा, मैं इसको सिस्टमैटिक बनना चाहूँगा। जब मैं बात करता हूँ टीचिंग एज ए प्रोफेशन की, तो टीचिंग एज ए प्रोफेशन की जब मैं बात करना चाहूँगा चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ जॉब, व्हाई, why teaching as a job। हम किसी भी प्रोफेशन को करते हैं तो तीन कारण होते हैं हमारे पास जनरली, पावर, सेकंड प्रॉफिट और तीसरा प्लेजर। थ्री पीज आर बेसिक टू एनी ऑफ आवर प्रोफेशन दैट वी चूज इन आवर लाइफ। यदि टीचिंग के बारे में बात करें तो पावर की कमी मुझे हमेशा महसूस होती है कि ऐसी कोई पावर नहीं है टीचर प्रोफेशन में जो अक्सर लोग उम्मीद करते हैं।
प्रॉफिट, आई मीन मनी, पैसा, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सामान्य है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वो है प्लेजर, आनंद, स्वांते सुखाय है इस प्रोफेशन में, जो मैंने अक्सर देखा है कि टीचिंग गिव्स अस प्लेजर। आवर अदर टू साइड्स, दैट इज पावर एंड प्रॉफिट, आर लेस इन द इन बोथ द केसेस, मनी एंड पावर आर लेस। However, teaching as a profession helps us to gain a maximum pleasure in us. Teaching अपने आप में एक बहुत गौरवमयी व्यवसाय है, और जिसको पूरी तन मन धन से किया जाए तो हमें बहुत आनंद की अनुभूति भी होती है। टीचर को लेकर अक्सर समय समय पर बहुत सारी बातें कही गई हैं। टीचर ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन द पीपल, ट्रू। टीचर ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट इन द पीपल, ट्रू। ये बहुत अच्छा कथन है और बहुत टीचर के महत्व को दर्शाता है कि वो चाहे तो व्यक्ति के अंदर बेहतरीन व्यक्ति भी पैदा कर सकता है और एक खराब से खराब व्यक्ति भी पैदा कर सकता है। यह ताकत है शिक्षक की। सेकेंडली, एक कोट मुझे बहुत पसंद है जो नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन में कहा है, वो है, नो पीपल कैन राइज अबव द लिमिट, अबव द लेवल ऑफ इट्स टीचर्स। नो पीपल कैन राइज अबव द लेवल ऑफ इट्स टीचर्स। तो टीचर की महिमा को महिमामंडित करते हुए यहाँ पर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में एक बार पुनः कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति टीचर के लेवल से ऊपर नहीं जा सकता। नो नेशन कैन गो अबव द लिमिट ऑफ इट्स टीचर्स। सो दिस इज वेयर द highest pinnacle of teaching exists। एक कोट जो मुझे हमेशा पसंद आता है और मैं अपने व्याख्यान में इस्तेमाल करते रहता हूँ कि टीचर कितना गौरवमयी है, कितना महिमा मंडित है, किया गया है इसको हमारे हमारे इस प्रोफेशनल वर्ल्ड में। तो उसको इस कोटेशन से आप समझने की कोशिश करिए। मिस्टेक्स ऑफ ए डॉक्टर आर lies in the grave, mistakes of a doctor lies in the grave, the mistakes of a lawyer lies in the file, mistakes of a lawyer lies in the file, and the mistakes of an engineer are cemented in the bricks, but the mistakes of a teacher are reflected in the nation. This is where the power of a teacher exists. Yadi aap na chahein तो आप लाखों हजारों आतंकवादी पैदा कर सकते हैं एक कक्षा के अंदर, और आप चाहें तो हजारों सन्यासी और महात्मा पैदा कर सकते हैं विद्यालय के अंदर। दिस इज द पावर ऑफ ए टीचर। लेकिन ये सब बातें तभी संभव हैं, इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतना बड़ा रेप्यूट टीचिंग एज अ प्रोफेशन को दिया गया है। लेकिन इन सब के ऊपर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी चाहिए। चिल्ड्रन लर्न मोर फ्रॉम व्हाट यू आर देन व्हाट यू टीच। चिल्ड्रन लर्न मोर फ्रॉम व्हाट यू आर, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिसाइजली आई एम सेइंग व्हाट यू आर, दैट मीन्स योर पर्सनल ट्रेट्स आर मोर इंपॉर्टेंट हियर देन व्हाट यू टीच, दैट इज प्रोफेशनल क्वालिटीज। व्हेन आई से teaching, that means it accounts for both things, your personal traits as well as your professional traits. Once again, I like to emphasize, your personal traits are far more important here. आप कितना empathize करते हैं, कितना love करते हैं अपने student को, आप कितना उनके साथ उनकी understanding रखते हैं। एक कोटेशन भी कहा गया है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो जॉन बिफोर टेलिंग टीचिंग हिम लैटिन। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो जॉन, नो जॉन, के एन ओ डब्ल्यू, नो। सो नोइंग योर स्टूडेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टीचिंग। सो टीचिंग इज अ सेकंड पार्ट। सो पर्सनल क्वालिटीज वे मोर हियर वंस अगेन। सो मैं मोटा मोटा आपको बता चुका हूँ यहाँ पर कि ये प्रोफेशन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोफेशन है, जिसकी अपनी गरिमा है, जिसको आज नहीं
वर्षों से यहाँ तक पहुँचाया गया है कई शिक्षाविदों ने अपनी मेहनत से, अपनी प्रयासों से। आज का मेरा टॉपिक है टीचर्स फॉर टुमारो, टीचर्स ऑफ टुमारो। कोई नई बात नहीं है, कुछ नया नहीं कहूंगा मैं इसमें, सिर्फ आने वाले समय में, जैसा कि मैं आज खुद अनुभव कर रहा हूं किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने हमारे टीचिंग का शेप बदल दिया है, इन्हीं बातों को की पुनरावृत्ति मैं यहां पर करूंगा। तो इसको समझने के लिए थोड़ा बेसिक बातें जाननी जरूरी है, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र के नहीं है वो भी इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले है टीचिंग इज एसोसिएटेड टू लर्निंग। टीचिंग इज एसोसिएटेड टू लर्निंग। ऑल दोज स्किल्स विच स्टिमुलेट लर्निंग, ऑल दोज स्किल्स विच स्टिमुलेट लर्निंग इन स्टूडेंट्स एंड मेक्स इट सरल, सुगम एंड सहज, दैट इज विच मेक्स एनी स्किल विच मेक्स टीचिंग विच मेक्स लर्निंग सरल, सुगम एंड सहज इज कॉल्ड टीचिंग। थ्री एस यू हैव टू रिमेंबर, जो लर्निंग को सरल बनाए, सुगम बनाए और सहज बनाए वो टीचिंग है। जरूरी नहीं कि आप टीचिंग कर रहे हो तो लर्निंग भी हो रही है, और लर्निंग हो रही है इसका मतलब जरूरी नहीं है टीचिंग है, तो दोनों को समझना इंपॉर्टेंट है। लर्निंग कैन एंड ऑफन अकर विदाउट टीचिंग एंड वाइस वर्सा, टीचिंग कैन एंड ऑफन अकर विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस। अक्सर हमने क्लासरूमों में देखा है टीचर्स पढ़ाते रहते हैं लेकिन बच्चे सीखते नहीं है कुछ भी। तो इसीलिए कहा गया है कि यू आर टीचिंग, देन हमने कई बार कहते भी हैं हम लोग कि आप पढ़ा तो रहे हैं, क्या बच्चे सीख रहे हैं? सो टीचिंग मे समटाइम्स मट नॉट इन्वॉल्व लर्निंग, सो लर्निंग मे अकर विदाउट टीचिंग समटाइम्स, एंड समटाइम्स टीचिंग मे बी डन, मे बी हेल्प, बट देर मे नॉट बी एनी फॉर्म ऑफ लर्निंग इन द क्लासरूम। सेकेंडली व्हाट इज टीचिंग, एक और डेफिनेशन है, टीचिंग इज इंटरेक्शन। यहां पर आप इस पीपीटी को समझने की कोशिश करिएगा, टीचिंग इज इंटरेक्शन। यहां पर सबसे ऊपर गोले में टी दिखाया गया है, नीचे S1, S2, S3 दिखाया गया है। आजकल हम इंटरेक्टिव क्लासरूम्स की बात कर रहे हैं, इंटरेक्टिव टीचिंग की बात कर रहे हैं। हालांकि मेरे हिसाब से ये जो जिस फॉर्म की टीचिंग अभी चल रही है, जो हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, अगर हम उस किस्म की स्ट्रिक्टली डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन लें तो ये आज शिक्षण नहीं है उस हिसाब से। वन वे है मोर और लेस, बहुत पार्शियली इसमें दूसरी साइड होती है पार्टिसिपेट, तो क्लासरूम टीचिंग को ही हमने अभी तक रिकॉग्नाइज किया है टीचिंग की फॉर्म्स में। लेकिन आजकल ये ऑनलाइन टीचिंग का जो परिदृश्य है इसको भी हम डिनाई तो नहीं कर सकते, लेकिन हम स्ट्रिक्टली नॉट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज इंटरेक्शन वेयर स्टूडेंट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। और आपके केस में ऑनलाइन में अगर मैं देखूं तो आपस में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते। टीचर स्टूडेंट, टीचर S1, टीचर 2S2, टीचर 2S3, S1, S2 म्यूचुअली, S2, S3 आर म्यूचुअली इंटरेक्टिंग, S1 टू S3, तो एक vicious साइकिल है आपस में। सो दिस इज इंटरेक्शन वेयर पीयर ग्रुप लर्निंग इज ऑल्सो देयर, वेयर टीचर टू स्टूडेंट लर्निंग इज देयर, सो दिस इज टीचिंग। वेयर लर्निंग इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन, म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो ये बात है टीचिंग को लेकर, सो टीचिंग इज इंटरेक्शन जिसको हम समझ सके। व्हाट इज एजुकेशन, ये समझे हम। एजुकेशन की डेफिनेशन को हम ऐसे समझें, ज्ञान की वह विधा, ज्ञान नॉलेज की वह विधा जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस से डील करती है, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। सो एजुकेशन विच डील्स इफेक्टिवली विद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज एजुकेशन, और विद्यार्थी को समझती है
और विद्यार्थी को समझती है, ये भी एजुकेशन के अंदर है, डील करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से, डील करती है और विद्यार्थी को समझती है, वो शिक्षा है। सो एजुकेशन इज दैट डिसिप्लिन विच डील्स विद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड डील्स विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड्स द स्टूडेंट। सो दिस इज एजुकेशन। और तीसरी बात हम जो बात करना चाह रहे हैं, एजुकेशन और टीचिंग और लर्निंग को जोड़ने वाली एजुकेशन थी, अब तीसरी चीज इंपॉर्टेंट जो है वो है लर्निंग, जिसको हम अधिगम कह रहे हैं। अधिगम, लर्निंग, लर्निंग लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। चेंज इन बिहेवियर, चेंज में भी समटाइम्स डिजायरेबल, चेंज में भी अनडिजायरेबल, बट स्पेसिफिकली अनडिजायरेबल चेंजेस हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन लर्निंग डेफिनेशन, इन द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, हमने उसको इंक्लूड नहीं करते हैं उसमें। स्ट्रिक्टली व्हेन वी टॉक ऑफ डिजायरेबल चेंजेस, दैट इज मॉडिफिकेशन जहां भी होगा उसको हम लर्निंग की परिभाषा के अंतर्गत लाते हैं। मॉडिफिकेशन वो भी जब हमारी कोई एक्सपीरियंस या एक्सरसाइज के तहत आए, ऐसा नहीं अचानक हो जाने वाली घटनाओं से अगर हमें कोई चीज लर्न हो रही है तो उसको हम लर्निंग में डाल दे रहे हैं। माना कि लर्निंग है चेंज इन बिहेवियर, हम जब बात कर रहे हैं तो चेंज इन बिहेवियर हमें अक्सर थकान से भी हो जाता है, कई बार हम सुबह काम करने का मन नहीं कर रहा, हम लोगों का बिहेवियर में चेंज आ जाता है, हो सकता है बुखार आए हमें, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, तो क्या हम उसको भी लर्निंग कहेंगे? ऑफकोर्स नॉट। लर्निंग इज टू बी ब्रॉट बाय एक्सपीरियंस एंड एक्सरसाइज, दैट मीन्स एफर्ट बेस्ड होना चाहिए। लर्निंग में जब तक एफर्ट इन्वॉल्व नहीं होगा तो लर्निंग नहीं कहलाती। सो लेट मी ब्रीफ इट, लर्निंग इज चेंज इन मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल ब्रॉट बाय एक्सपीरियंस एंड एक्सरसाइज। अगर हम बात का पार्ट छोड़ भी दें, सिर्फ हम इसको ऐसे ही लें, इसी पार्ट को लें, लर्निंग इज चेंज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, modification of behavior is learning and which occurs because of teaching। जरूरी नहीं है कि टीचिंग हो तभी लर्निंग हो, ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, कई बार हमारी टीचिंग होती है लेकिन लर्निंग नहीं होती है, लेकिन मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर अगर जनरेट हो रहा है तो हम उसको लर्निंग कहेंगे। लर्निंग के कई सारे तरीके हैं, बिहेवियर में चेंज लाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है वो है सबसे नंबर वन पर टीचिंग, दूसरा ट्रेनिंग, तीसरा गाइडेंस, चौथा कंडीशनिंग, पांचवा प्रोपेगेंडा और एडवर्टाइजमेंट्स, छठा इंडॉक्ट्रिनेशन और सातवां ब्रेन वॉशिंग। तो ये सात तरीके हैं जिनसे हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। शुरू के चार जो मैंने ब्लैक इंक में लिखे हुए हैं, ये स्ट्रिक्टली हम रिकॉग्नाइज करते हैं इन द डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन। हालांकि ये पांचवा, छठा और सातवें नंबर के भी मोड्स हैं जिनसे बिहेवियर में चेंज आता है, बट वी डोंट इंक्लूड दैम व्हेन वी टॉक अबाउट द डिसिप्लिन एजुकेशन। इसको हम किन्हीं कारणों से मोड नहीं मानते हैं लर्निंग का, लेकिन ऊपर की जो चार हैं जिनमें इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है, क्योंकि हम अक्सर, अभी मैं दूसरे पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं, कि इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है इन चार प्रैक्टिसेस में, टीचिंग में, ट्रेनिंग में, गाइडेंस में और कंडीशनिंग में, कम या ज्यादा, तो हम इनको लर्निंग की परिभाषा के अंदर लाते हैं। लर्निंग के मोड्स हैं, लर्न कराने के मोड हैं, तरीके हैं, और प्रोपेगेंडा, एडवर्टाइजमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन, ब्रेन वॉशिंग। अक्सर आपने देखा है कि आतंकवादियों को, बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स जो होते हैं, इनको इंडॉक्ट्रिनेट किया जाता है, उनको पर्टिकुलर एक बात को रटाया जाता है, समझाया जाता है, अपने अपने धर्म की बातों को समझाया जाता है, तो वो इतने ज़्यादा परिवर्तित हो जाते हैं कि उनका व्यवहार इतना परिवर्तित हो जाता है कि अपने देश के लिए वो सुसाइडल हो जाते हैं। सो दैट फॉर्म इज नॉट रिगार्डेड हेयर एज लर्निंग,
उसको हम इंडॉक्ट्रिनेशन कहते हैं, उसको हम लर्निंग की परिभाषा में, सीधी सरल परिभाषा में शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं लाते। तो ये बात हमने समझने की कोशिश करी कि टीचिंग और लर्निंग क्या है और टीचिंग और लर्निंग के बीच में संबंध क्या है। अब जब हमने इनके बीच में एक संबंध स्थापित कर लिया, टीचिंग लर्निंग एज ए प्रोसेस, एडुकेशन और बेसिक बातें समझ दी, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है टीचिंग टीचर्स ऑफ टुमारो। टीचर्स ऑफ टुमारो आपको के लिए क्या चैलेंजेस होंगे, क्या करेंगे हमारे आने वाले भविष्य के शिक्षक, क्या बातें उन्हें करनी होंगी, ये किसी से छुपा नहीं। सभी लोग अपने अपने बुद्धि विवेक से, सब लोग के अपने अपने प्रेडिक्शंस हैं, अपनी अपनी बातें कहते हैं। मैं इसमें किसी को वरीयता नहीं दे सकता कि नंबर वन पर ये होना चाहिए, नंबर टू पर ये होना चाहिए, नंबर थ्री पर ये होना चाहिए, नंबर फोर पर, क्योंकि ये सब्जेक्टिव इशू है। कि कोई ये कहे कि नहीं टीचर को इंडिविजुअलाइज टीचिंग की उसको नॉलेज होनी चाहिए, कोई ये कहे नहीं टीचर तो बहुत ही ज़्यादा डेक्स्ट्रस होना चाहिए, कोई ये कहे कि बहुत ज़्यादा टीचर जो है कम्युनिकेटर अच्छा होना चाहिए, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, तो देर आर नंबर ऑफ लॉजिक्स फॉर इट। बट आई हैव सिंसियरली मेड अ चॉइस ऑफ ओनली 5 मेजर ट्रेड्स दैट नीड टू बी ग्रूम्ड इन द टीचर्स ऑफ टुमारो। तो ये मेरा अनुभव है और जो मेरी अपने ज्ञान है, नॉलेज है, इसको लेकर मैंने ये 5 बिंदु जो मोटे मोटे समझे हैं और जाने हैं उनको मैंने लिखा है यहाँ पर। तो सबसे पहला जो मुझे दिखाई देता है वो है इस टीचर्स ऑफ टुमारो में, वो है टीचर्स फॉर टुमारो, टीचर एज ए ट्रांसफॉर्मर नॉट एज ए ट्रांसमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग है। टीचर एज ए ट्रांसफॉर्मर नॉट एज ए ट्रांसमीटर। हम लोग आज की दुनिया में सभी के सब ट्रांसमीटर ही हैं और ट्रांसमीटर बनने के बाद हम सोचते हैं कि हम लोग टीचर बन गए हैं। हम लोग गूगल से पढ़ते हैं, हम लोग इधर उधर की किताबों से पढ़ते हैं, क्लास में ट्रांसमिट कर देते हैं और सोचते हैं हमने ये फला पढ़ा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, एंड वी आर द टीचर्स, वी आर डूइंग आवर जॉब। और फाइनली एंड ऑफ द ईयर में हम एक एग्जाम ले लेते हैं और वो एग्जाम कैसा होता है उसको आपको दिखाता हूँ। उसको इस चित्र से समझने की कोशिश करिए। ऐसा ऐसा एग्जाम होता है हमारा जो हम आज अपनी कक्षाओं में, अपने विद्यालयों में कर रहे हैं। इस पिक्चर में आप साफ देख सकते हैं कि अलग अलग कैपेसिटीज, अलग अलग एबिलिटीज के जानवर हैं। बंदर है, सील है, एलिफेंट है, मछली है, सील है, और ये पेंगुइन है, सॉरी, और यहाँ पर शायद ये जैकाल टाइप का दिख रहा है, डॉगी समझ लीजिए, और ये एग्जामिनर साहब है। For a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. This picture very honestly describes the present scenario of our education. और हम ये सब करते हैं और करते आ रहे हैं पिछले 200 सालों से, और हम आज दावा करते हैं कि we are the one of the best teachers of the world. We want to export teachers. We want to send them out of country. और बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स कर खोलने की कल्पना करते हैं, जबकि हमारी एजुकेशन की बेसिक समझ भी ठीक नहीं। एक चित्र और मैं आपको दिखाता हूं, वो भी बहुत अच्छा कटाक्ष करता है आज के सिस्टम ऑफ एजुकेशन पे। द स्कूल सिस्टम इज डिजाइन टू टीच ओबीडियंस एंड कंफॉर्मिटी एंड प्रिवेंट द चाइल्ड्स नेचुरल कैपेसिटीज फ्रॉम डेवलपिंग। देखिए क्या कर रहे हैं, वन साइज फिट ऑल टाइप की बात है। स्कूल सिस्टम इज डिजाइन टू टीच ओबीडियंस, सबको ओबीडियंस, सबको कहना मानना सीखना है, सबको एक ही सांचे में ढालना है, कंफॉर्मिटी एंड प्रिवेंट द चाइल्ड्स नेचर। यहां पर सबके सर के हिसाब से नहीं, जैसा उसके पास बना हुआ है उसके हिसाब से वो चीजों को फिट करके उसके हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। So, हमारा स्कूल सिस्टम हमारे हिसाब से डिजाइन नहीं होता, हमारे हिसाब से अपने आप को नहीं बदलता, हमारे हिसाब से एजुकेट नहीं करता, बट व्हाट इट डज इज इट मेक्स यू टू फिट इन देयर साइज।
ये सबसे बड़ी आर्मी है हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ. सो दैट्स व्हाई आई से टीचर एज ए ट्रांसफॉर्मर नॉट एज ए ट्रांसमीटर. अब ट्रांसमीटर थोड़े करेगा इतना सब बड़ी बड़ी बातें, ट्रांसमीटर थोड़ा इतना पेन लेगा. जिसको ट्रांसफॉर्म करना है, जो परिवर्तन चाहता है, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन चाहता है, जो डेडिकेशन, उसके अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए, उसके अंदर एक लगाव होना चाहिए, उसके अंदर प्रेम होना चाहिए, उसके अंदर वो पर्सनल ट्रेट्स होने चाहिए ताकि वो पेन ले सके, उन बच्चों को ट्रांसफॉर्म कर सके. एक ट्रांसमीटर जिसको तनख्वाह से मतलब है, जिसको छुट्टियों से मतलब है, उससे उम्मीद ना करें. और फिर वो लोग अपने आप को टीचर भी ना कहलाएं तो ज्यादा ईमानदारी हो. एक टीचर एज ए ट्रांसफॉर्मर, व्हेन आई से फॉर टीचर्स ऑफ टुमारो, दे हैव टू बी डेडिकेटेड टीचर्स. टीचर बाय चॉइस, नॉट बाय चांस. इतना पेन है इस प्रोफेशन में. आपको एक एक बच्चे को ग्रूम करना होगा, एक एक चैलेंज को लेना होगा आपको. एनसीटी आज इंटीग्रेटेड कोर्स चला रही है. वजह यही है कि ये एक और दो साल के अंदर टीचर नहीं बनाए जा सकते हैं, ये पिछले 70 सालों में आज उनके समझ में आने लगी. टीचर को बनाने के लिए काफी लंबी प्रोसेस है. पूरा एटीट्यूड में चेंज लाना होता है, उसके फीलिंग्स को उस लेवल पर डेवलप करना होता है, जिसको हम सोचते हैं कि टीचर कैन टीच सर्टेन बुक्स, ही कैन कवर द सिलेबस, सो ही इज अ टीचर. तो मैंने आपको दो बातें बताई जिन पर हम अभी तक 70 साल से एजुकेशन के नाम पर अभी तक वही लकीर पीट रहे हैं. और हम बस दो तीन बातें जानते हैं जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से हमारे पास आई, वो हैं ओबीडियंस, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन. हम यह चाहते हैं कि हमारा बच्चा ओबीडियंट बना रहे, पंक्चुअल बना रहे, टाइम से स्कूल में आए, टाइम से आए, टाइम से जाए, होमवर्क दिखाए और डिसिप्लिन रहे, कोई क्वेश्चन ना पूछे क्लास में, कोई क्वेश्चन ना पूछे बच्चा क्लास में, ओबीडियंट रहे. एंड वी आर इनटू दैट प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग. एंड हम कहते हैं कि यस वी आर द टीचर्स. यदि क्लास में बच्चा कोई उल जलूल सवाल कर लेता है, कोई सही सवाल भी करता है, कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन भी कर लेता है और कभी कोई बात कह देता है, तो हम कहते हैं डिसोबीडियंट. ये क्वेश्चन इरिटेटिंग करता है. और जबकि शुरुआत शिक्षा की पोजिंग द क्वेश्चन से होती है. सबसे पहली शुरुआत शिक्षा की और टीच लर्निंग की क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन रेजिंग से होती है. और वी एज ए टीचर ट्राई टू एक्सटिंग्विश दैट फायर इन द चाइल्ड. सो एज ए टीचर वी आर फायर एक्सटिंग्विशर्स रादर देन फायर इल्यूमिनेटर्स. हमें कहां बच्चे के अंदर स्पार्क क्रिएट करना चाहिए था, हम बच्चे की फायर को बुझाने के काम कर रहे हैं. लेकिन फॉर टीचर्स ऑफ टुमारो दिस इज अ चैलेंज दैट दे हैव टू बी ट्रांसफॉर्मर, नॉट ओनली ट्रांसमीटर ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स. तो ये दो चित्र जो आपको मैंने दिखाया यहां पर, ये काफी ईमानदारी से दर्शाते हैं हमारे इस बीमार एजुकेशन सिस्टम को. हो क्या रहा है, जो हम चाहते हैं वो इस चित्र में भी बिल्कुल साफ है. व्हाट वी प्रोड्यूस, आज हम जो पैदा कर रहे हैं अपने विद्यालयों में, एक्सेप्ट द ऑर्डर्स, कॉम्प्लाई द ऑर्डर्स, फिर वही चलते रहो, कंटिन्यू, एक्सेप्ट कॉम्प्लाई, एक्सेप्ट कॉम्प्लाई, एक्सेप्ट कॉम्प्लाई, एक्सेप्ट कॉम्प्लाई. बच्चे को सुनना है, कॉम्प्लाई करना है. यहां से यहां तक लिख के लाओ. अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि सर क्यों लिख के लाओ, यू आर डिसोबेइंग मी. ये असाइनमेंट आपको करना है, सर ये तो किताब में लिखा हुआ, इसको उतारने की जरूरत क्या है. नो, यू आर नॉट फॉलोइंग मी, यू आर नॉट ओबेइंग मी. अगेन दिस विशियस साइकिल कैरीज ऑन. वी रिवॉर्ड कॉम्प्लायंस एंड पनिश क्वेश्चनिंग. दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ आवर टीचर टीचिंग. एडुकेशन इज मोर देन फीलिंग द चाइल्ड विद फैक्ट्स. मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं. एज ए ट्रांसमीटर यदि आप समझते हैं कि हमने कुछ इंफॉर्मेशन बच्चे को दे दी, कुछ फैक्ट्स और फिगर्स उसको पढ़ा दिए, तो यही मात्र टीचिंग नहीं है. इट स्टार्ट्स विद पोजिंग क्वेश्चंस.
It starts with posing questions. All our pedagogical efforts are concentrated on programming a student to score high marks without relevance to his or her competence in basic skills. ये एक बहुत important note लिया है यहाँ पर. All our pedagogical efforts are concentrated on programming a student to score high marks. हमारा पूरा दारोमदार, पूरी ताकत इसी बात पर झोंकी जाती है कि बच्चे के मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आए, उसकी कॉम्पिटेंस किस में है, उसके बेसिक स्किल्स क्या बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. हमारे भाग्य से सीसी नाम का एक सिस्टम इस देश में इंट्रोड्यूस हुआ था विगत कुछ वर्षों में, बट कुछ समय पूर्व उसको भी हटा लिया गया, जहां पर इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया था कि बच्चों के कुछ बेसिक स्किल्स होती हैं, उनकी ग्रूमिंग होनी चाहिए सीसी के अंतर्गत. और मेरा अनुभव था कि पिछले 5-6 सालों में बच्चे काफी बोल्ड हो गए थे, बच्चे काफी क्वेश्चनिंग हो गए थे, और बच्चों में काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जैसा हम आज मोदी एरा में कह रहे हैं कि हमें एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, हमें रिसोर्सफुल बनना है, हमें बच्चों के अंदर रोजगार खुद पैदा करने की, तो वो एक रात में एक दिन में नहीं आएगा. उसके लिए हमें पूरा सिस्टम ऑफ एजुकेशन में अमेंडमेंट करना होगा. हमें अपने बच्चे को इतना पावरफुल बनाना होगा कि वो खुद उसकी थिंकिंग स्ट्रांग हो सके, वो खुद इनिशिएटिव ले सके, वो खुद उस पर आगे बढ़ सके. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन डज नॉट सपोर्ट द काइंड ऑफ सोशल एनवायरमेंट वी रिक्वायर टुडे. And of course, tomorrow too. So all our pedagogical efforts are concentrated on getting high marks. What do we need? We need questions. We need challenges. We need change. हमें इस चीज की जरूरत है. हमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की जरूरत है, चाहे उत्तर हो या ना हो. लेकिन मैंने कहा टीचर इज अ फायर एक्सटिंग्विशर, ही is there to extinguish the fire of questions in the child in the beginning. Challenge to kahin hai hi nahi hamare shikshakon ko, koi challenge nahi, koi projects nahi, koi assignment nahi, koi baatein nahi, bas bachchon ko challenge lena sikhana padega, bachchon ko aatmanirbhar banana padega, bachchon ko initiative lene ke liye unko challenges pose karne padenge aapko. तो सिस्टम ऑफ एजुकेशन को चेंज करना पड़ेगा. व्हेन आई से टीचर एज ए ट्रांसफॉर्मर, हाउ विल यू ट्रांसफॉर्म अ चाइल्ड एंड चेंज, हु कुड लव चेंज. हम एक स्टीरियोटाइप, एक कंफर्ट जोन में बच्चे को रखकर सोचते हैं कि हम बच्चे को बदल रहे हैं, बच्चे में डेवलपमेंट हो रहा है. अ चाइल्ड शुड लव चेंज, ही शुड बी एबल टू फेस दोज चेंजेस, ही शुड बी एबल टू अडैप्ट टू दैम. When was the last time, एक नीचे लिखा है, when was the last time that you rewarded a student for disagreeing with you? True. We don't appreciate any child when he says no in the classroom, when he raises a question in the classroom, when he doesn't agree with us. हम rather हम आज भी अपने विद्यालय के अंदर ये कहते हैं, you do as I taught you. अक्सर मैंने सुना है टीचर्स को इस तरीके की बातें कहते हुए कि आज तो आप दूसरी मेथड से क्वेश्चन करके ले आए, मेरी वाली मेथड से आपने सॉल्व क्यों नहीं किया. जो थोड़ा बहुत बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो रही थी उसे भी हम इन सवालों से खत्म करने की कोशिश कर, और फिर हम उम्मीद रख रहे हैं बच्चे से कि वो क्रिएटिव बने, इमेजिनेटिव बने, प्रॉब्लम सॉल्वर बने. यदि हम बच्चों से इस तरीके की कल्पना करते हैं और इतने इस तरीके का माहौल को देकर विद्यालयों के अंदर, तो हम कहीं गफलत में हैं. मैं इसका एक सॉल्यूशन भी दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने आपके सामने समस्या ही रखी है. मैं एक सॉल्यूशन भी दे रहा हूं, वो है क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और क्यूरोसिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इन सब बातों को प्रमोट करना होगा. ऐसे माहौल आपको विद्यालयों के अंदर बनाने होंगे, रादर देन
posing highest weightage on getting the marks. आपको बच्चों के अंदर उन सब चीजों को भी प्रमोट करना होगा साइमल्टेनियसली, ऐसी एक्टिविटीज डिजाइन करने होंगे, ऐसे करिकुलम्स डिजाइन करने पड़े. बट अनफॉर्चुनेटली इन आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन वी हैव सीन नो वन रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर डूइंग एनीथिंग. जो लोग विद्यालयों के मालिक हैं उन्हें पैसा बनाने से फुर्सत नहीं है, मां बाप अनभिज्ञ हैं, जानकार नहीं है, टीचर सोचता है कि मैंने अपनी बात कह ली, सिलेबस कवर कर दिया तो मेरा काम खत्म हो गया. और एज एन एजुकेटर मैं ये बात करूं तो मुट्ठी भर हम जैसे एजुकेटर सिर्फ चिंता कर पा रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे. तो ये सब बातें जो आज हमें करनी है और जिस तरीके की हमारी नीड है सोसाइटी की, जब हम बात कर रहे हैं कि हमें एंटरप्रेन्योर चाहिए, हमें बच्चे इनिशिएटिव लेने वाले चाहिए, आज भी हम नौकरी की दौड़ में बच्चों को बढ़ा रहे हैं. हमें बच्चे क्रिएटिव चाहिए, हमें बच्चों के अंदर वो इमेजिनेशन जनरेट करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जिनके बारे में वो जानता तक नहीं है. तो इतना चैलेंजिंग बच्चा आप कैसे बनाओगे? मैं पुनः अपनी बात को दोहरा रहा हूं, सीसी कुछ फर्क बच्चों में ला रही थी, लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियो और राष्ट्रवाद ने इस कदर उसको खत्म किया कि आज वो फिर अपने जीरो पर आ गया. हमारी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जब शिक्षा के अंदर होता है तो हमारी वी थ्रो द बेबी विद द बाथिंग वाटर. ऐसा नहीं कि सीसी में कुछ सब कुछ बुरा था, हो सकता उसका एग्जीक्यूशन बुरा हुआ हो, लेकिन that had a weightage, that is a time tested formula for the coming tomorrow. main jab cc se keh raha hu to shayad aap sab ko jankari hogi comprehensive and continuous evaluation jo kuch varsh purv hamare vidyalayon mein implement ho raha tha, uska execution ho sakta hai usme kuch galtiyan rahi ho, lekin that was a very important concept that need that we all need today also. Even Finland, jo itna bada number one education hub hai, all is run through CC. Aaj jitne bhi, chahe aap Singapore le lijiye, chahe Finland le lijiye, chahe education ke jitne bhi bade hubs dekh lijiye, they follow this CC pattern. Tabhi aaj unke bache PACE jaise exams mein number one ranking kar rahe hain aur hamare bache sabse piche. We are still promoting rote memory and regurgitation. हम आज भी वही memory की बात कर रहे हैं, भाई हमने examination एक ऐसा करना है जिसमें हमने 10-5 सवाल पूछ देने हैं और वो सवाल जो है बच्चे ने कर लेने और marks दे देने. So this system won't work in the time. So again I'll repeat my point that what do we want for tomorrow is a teacher as a transformer, not as a transmitter. So इतना powerful teacher बनना है आपको कि यू कुड ट्रांसफॉर्म चिल्ड्रन, ब्रिंग इन दैम, ग्रूम इन दैम क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, दोज प्रॉब्लम सॉल्वर उनको बना पाओ. ऐसा कुछ करने की कोशिश करनी है हमारे आने वाले बच्चों ने, टीचर्स ने. तो फर्स्ट पॉइंट थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैं इस बात को बार बार आपको दोहरा रहा हूं कि हम जिस ऑब्सोलीट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में रह रहे हैं, जहां पर हम कन्फॉर्मिटी ओबीडियंस की डिमांड कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है. वे कंसेप्ट थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के, जब हमें लेबर प्रोड्यूस करनी थी, मजदूर प्रोड्यूस करने थे, जिनको ठीक समय पर विद्यालय के फैक्ट्री के अंदर जाना होता था, जिनको अपने मालिक का कहना मानना होता था. आज का बच्चा विद्यालय में अगर कुछ बेसिक सवाल अगर मैं पूछ लूं, क्यों अगर कोई बच्चा 10 मिनट लेट अगर विद्यालय में पहुंच जाए तो क्या होने वाला है उसे? अगर वो अपने टीचर का कहना एक दिन नहीं मानता है तो क्या होने वाला है उससे? जरा सोच के देखिए. हम क्यों बच्चे को एक सिस्टम पर ही रिजिडली उसी पर अटके हुए हैं कि नो ही इज नॉट ओबेइंग अस, दैट मीन्स ही इज यूजलेस फेलो. ये वैल्यू सिस्टम थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर के, जो आज
रिडंडेंट हो चुके हैं, आज इनका कोई वैल्यूज नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं. सो वी नीड टू चेंज आवर फोकस नाउ, वी नीड टू चेंज आवर पेडागॉजिकल फोकस नाउ, एंड वी शुड एनहांस ग्रूम दीज फोकस नाउ. वट आर दोज? दे आर इमेजिनेशन इन द चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी इन द चिल्ड्रन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन द चिल्ड्रन, इमेजिनेशन इन द चिल्ड्रन, कॉम्युनिकेशन स्किल्स इन द चिल्ड्रन. इतना स्ट्रेस है, अपने स्ट्रेस को वो पछाड़ पाए. इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस डेवलप करनी है उनके अंदर, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस डेवलप करनी है आपको उनके अंदर, ताकि वो खुद से अपने आप को पीस पर रख पाए, अपने आप को ट्रैंक्विलिटी में रख पाए. इसलिए हमें ये जरूरी है कि हम इन बच्चों को कुछ इस किस्म की के स्किल्स में डेवलप करें. अब मैं ज्यादा लंबा न लेकर टीचर्स फॉर टुमारो मैं सेकंड पॉइंट उठा रहा हूं. व्हाट डू आई थिंक एज अ टीचर फॉर टुमारो इज टीचर्स नीड टू नो हाउ टू लिवरेज टेक्नोलॉजी फॉर बेटर लर्निंग आउटकम्स. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये. हाउ टू लिवरेज टेक्नोलॉजी फॉर बेटर लर्निंग आउटकम्स. इस पिक्चर से समझ में आपको बहुत कुछ आ जाएगा. इट डज नॉट मैटर हाउ मैनी रिसोर्सेज यू हैव, इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज देम इट विल नेवर बी इनफ. बिल्कुल ठीक इस पॉइंट में सब कुछ लिखा गया है कि हमें अपने विद्यालयों में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल करना सीखना है. यू मस्ट नो हाउ टू make use of those resources in our available in our schools. मैं नई की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो पुराने सिस्टम की एजुकेशन की बात कर रहा हूँ. हमारे वहाँ लाइब्रेरीज हैं, कितना यूज होती हैं. हमारे वहाँ लैब हैं, कितना यूज होती हैं. मैंने कभी किसी साइंस की टीचर को क्लासरूम के अंदर स्पेसिमेंट्स ले जाकर या कोई इंस्ट्रूमेंट्स ले जाकर पढ़ाते हुए नहीं देखा है अपने जीवन में. यदा कदा एकाध दो केसेस हो सकते हैं. सो यू नीड टू नो लिवरेज टेक्नोलॉजी फॉर बेटर लर्निंग आउटकम्स. अब हम आप नई बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं जूम ऐप की बात कर रहे हैं, आज हम फेसबुक लाइव की बात कर रहे हैं, आज हम गूगल क्लासरूम की बात कर रहे हैं. ये भी रिसोर्सेस हैं, ये डिजिटल रिसोर्सेस हैं. सो एज अ टीचर यू मस्ट नो हाउ टू मेक यूज ऑफ दीज थिंग्स. हमारे वहां वर्चुअल लैब भी है आजकल, वर्चुअल लाइब्रेरी भी है आजकल. ये सब चीजों का इस्तेमाल हमारे टीचर को जानकारी होनी चाहिए. आने वाले समय में टीचर्स फॉर टुमारो मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स. फर्स्ट थिंग, हाउ टू मेक यूज ऑफ ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द स्कूल सिस्टम एंड आउटसाइड द वर्ल्ड ऑल्सो. ही शुड बी एबल टू हैंडल वेरियस टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल. और आज आप देख ही रहे हैं, आज फर्स्ट टाइम हमें मौका मिला है कि हम फेसबुक लाइव से आपसे कांटेक्ट करें, क्योंकि ये रिसोर्स का यूज हमने कभी सीखा नहीं था. और शुरुआत के दौर में हम देख रहे थे कि हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस कम था, कितनी घबराहट हो रही थी. सो हमारा जो टीचर जो कल के दौर का है उसके अंदर ये घबराहट नहीं होनी चाहिए. ही शुड बी in the use of doing all use making use of all these apps, making use of all these technological things, usko malum hona chahiye online learning ke bare mein, hamare wahan Coursera ke bare mein, Udemy ke bare mein, Educare ke bare mein, Swayam ke bare mein, ye sab online classes ke bare mein usko malum hona chahiye teacher for tomorrow. When I say teacher of tomorrow, then he must be aware of all these facts. और सिर्फ आपको यदि लगे कि बीएड मात्र कर लेने से आप एक टीचर बन जाएंगे, तो मैं फिर दोबारा यही कहूंगा कि शायद आप गफलत में हैं. बीएड आपको एक थ्रेशोल्ड तक भेज सकती है, लेकिन आगामी स्कूल, आने वाले समय के स्कूल, जो फ्यूचरिस्टिक स्कूल जिनको हम कह रहे हैं, वो ये सब चीजें डिमांड करेंगे कि डू यू हैव एनी ऑनलाइन कोर्स डन, ऑनलाइन डिग्री, आपने कोई ब्लेंडेड लर्निंग में या किसी तरीके के कोई कोर्सेज में कोई डिग्री प्राप्त की है बीएड के दौरान. तो मैं बार बार बीएड करने वाले इन बच्चों से कहता रहता हूं कि आप अपने समय का उपयोग करें
और कहीं ना कहीं कोई ओपन लाइन को ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जरूर करें शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि हमारे टीचर फॉर टुमारो जो है ही मस्ट बी अवेयर ऑफ द ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल। और एक नई बात मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल कोविड टाइम्स में सब लोग पीपीटी बना के भेज रहे हैं, ये बना रहे हैं। यदि हम वीडियो बना सकें, वीडियो की एडिटिंग कर सकें, कोरल ड्रॉ में कुछ स्लाइड्स बना सकें, हमें पेज मेकर आए तो ये हमें फैसिलिटेट करेगा। तो मैं फिर आप लोगों को, जो ट्रेनर्स हैं, जो टीचर, जो फ्यूचर की टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन लोगों को अपने समय का सदुपयोग करते हुए उनसे यह गुजारिश करूंगा कि वे न सिर्फ बीएड की डिग्री लें, साथ में इस तरीके के कोर्सेज को भी करने की कोशिश करें जहां उनको वीडियो एडिटिंग के बारे में जानकारी मिले, जहां उनको कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, डिजिटल क्लासरूम्स के बारे में, और दे शुड बी गुड इन, और इवन यदि मौका मिले तो दे शुड लर्न सम लैंग्वेज ऑल्सो इन कंप्यूटर्स। कोडिंग कम से कम कुछ आनी चाहिए आपको। आने वाले टीचर को आप मान के चलिए, ही विल हैव टू बी इक्वली गुड इन डीलिंग द डिजिटल एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग। तो यदि आपके पास समय हो, आपके पास कभी भी समय हो थियोरेटिकल पढ़ाई से, तो आप जरूर इस काम को भी करें कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन ऑफ कंप्यूटर लर्निंग में इस तरीके के कोर्स को भी करें। एक बात और मैं कहना भूल गया, टीचर्स नीड टू बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन टीचिंग अबाउट टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग विद टेक्नोलॉजी। सो द टीचर ऑफ टुमारो शुड बी एबल टू टीच विद टेक्नोलॉजी। जैसा मैं अभी सब अपने व्याख्यान में कह चुका हूँ कि आप जूम ऐप का इस्तेमाल करिए, फेसबुक लाइव का इस्तेमाल करिए, गूगल क्लासरूम्स का इस्तेमाल करिए, टीचिंग विद टेक्नोलॉजी, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कीजिए, कैम स्कैनर का इस्तेमाल करिए। सो यू शुड इक्वली गुड इन डीलिंग इन टीचिंग योर स्टूडेंट्स इन हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स विद दीज टेक्नोलॉजिकल थिंग्स। टीचर ऑफ टुमारो बिल्कुल यू शुड बी एबल टू लिवरेज द टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज टीचर्स फॉर टुमारो नॉलेज ऑफ डिफ्रेंशिएटेड लर्निंग अप्रोच। एक तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है डिफ्रेंशिएटेड लर्निंग अप्रोच के बारे में। When I say differentiated learning, तो differentiated learning से मेरा मतलब है, आप तीन बच्चों को देख रहे हैं, टीचर हर एक को अलग अलग तरीके से डील कर रही है। जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से ये पढ़े उसके भी समझ में आता हो, या जो एग्जाम्पल इसके समझ में आता है वो इसके भी आता हो, जो इसके समझ में आता हो वो इसके भी समझ में आता हो, तो हर एक को अलग अलग तरीके से डील करना, पढ़ाना डिफरेंशिएटेड लर्निंग कहलाती है, डिफरेंशिएटेड लर्निंग अप्रोच। सो वी मस्ट बी एबल टू हैंडल द चिल्ड्रन डिफरेंटली इन अ डिफरेंट वे। एक बड़ा अच्छा कोट है, कोट तो नहीं कहूंगा, एक राइटअप है, हाई अचीवर्स लाइक आइंस्टीन, एडिसन, विंस्टन चर्चिल एंड बिल गेट्स वर ड्रॉप आउट्स नॉट बिकॉज दे लैक्ड एन इंटेलिजेंस innate intelligence, but because school always followed standardized curriculum geared towards students who learn in a particular way. They had their own standardized way of teaching, but they had their own way of learning. Ek bahut acha quote is mujhe yaad aata hai, wo kehta hai, teacher you teach me the way you like, teach me the way I like. You just try to understand it. Don't teach me the way you like. Teach me the way I like. इसको थोड़ा सा deviation है, लेकिन कहने का मतलब जहां पर जैसा मैं चाहता हूं आप मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाइए। यानी कि हर एक बच्चे का अपना अपना तरीका होता है पढ़ने और पढ़ाने का, जो मैं आगे क्लियर करूंगा अभी।
तो उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है और अपने हिसाब से उसको डिफ्रेंशिएटेड लर्निंग पैराडाइम के हिसाब से उसको पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। सो ये अनुभव भी आपको अपने इस पूरे ट्रेनिंग के दौरान लेना चाहिए और हर वुड बी टीचर को, जो भी टीचर ऑफ टुमारो है, उसको ही शुड बी वेल क्वालिफाइड इन डीलिंग विद द डिफरेंशिएटेड लर्निंग। विंस्टन चर्चिल के बारे में लिखा है, चर्चिल वंस रिमार्क्ड, आई ऑफन फेल्ड इन ए स्कूल बिकॉज आई वांटेड टू शो माय टीचर व्हाट आई न्यू। I always wanted to show my teacher what I knew, but he wanted to test what I did not. तो ये तो हो ही रहा है हमारे विद्यालयों में। हमारा एक fixed system of questioning है, हम वो question पूछते हैं, जिसको उनका answer नहीं आता तो हम कहते हैं इसको कुछ नहीं आता है। But I have seen a change nowadays in some of the interviews I have seen, कि आजकल एक interview में एक सवाल last में पूछ लेते हैं, अच्छा ये बताइए कि आपको क्या आता है, आप वो बताइए। So this is a good beginning. एक अच्छी बात है कि ऐसा नहीं है कि उसको कुछ नहीं आता होगा, लेकिन हो सकता है जो आप पूछ रहे हैं वो नहीं आता। तो इससे हम किसी बच्चे को यह कह दें कि उसे कुछ नहीं आता है या वो किसी काम के लिए फिट नहीं है, वो ठीक बात नहीं है। एक इसी पर एक आगे पॉइंट है, ये जो बच्चे हैं दे आर नॉट द स्टूडेंट्स ऑफ आवर जनरेशन वेयर दे सिट डाउन एंड लिसन। ये जो बच्चे जिनकी हम बात कर रहे हैं आज के जमाने में, फ्यूचर के बच्चे, ये वो नहीं है जो जमीन में बैठकर हमारे हिसाब से पढ़ेंगे और हमें सुनेंगे। आई थिंक दे हैव चेंज, ये बच्चे बहुत चेंज्ड हैं। जैसा आप विद्यालयों में आप बार बार कहते हैं कि हमारे क्लास में तो ओबीडियंस है नहीं, बच्चे सुनते नहीं है, अरे वो सुनेंगे क्यों आपको, आपसे पहले वो पढ़ लेते हैं उस कोर्स को, आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास है और गूगल यूनिवर्सिटी से सब कुछ लर्न किए हुए होते हैं। तो हम जिन बच्चों से डील कर रहे हैं वो बहुत चैलेंजिंग बच्चे हैं। I think they have changed. Now they want to explore. ये बच्चे explore करना चाहते हैं. They want to cut and paste. ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं. They want to explore knowledge. तो जो future आप deal कर रहे हैं, जो futuristic बच्चों से आप deal कर रहे हैं, ये वो बच्चे नहीं होंगे कि जहाँ पर आप a sage on the stage type का model काम करेगा कि आप कुछ भी बोल दीजिए वो सुन लेंगे आप। ये बच्चे वो होंगे जो डिमांडिंग होंगे, ये बच्चे होंगे जो आपको कटाक्स करेंगे, ये बच्चे होंगे जो आपको ओबे नहीं करेंगे, ये बच्चे जो होंगे वो पंक्चुअल नहीं होंगे, एक तरीके से राउडीनेस होगी इन बच्चों के अंदर। तो तब आप कैसे डील करोगे? तो मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं, टीचर ऑफ टुमारो, ये अगले 10-15 साल तक भी ऐसा चल जाएगा, लेकिन अगले 15-20 सालों के बाद आपको ऐसा टीचर बनकर आपसे काम नहीं चलेगा। आज का बच्चा क्या डिमांड करता है? चाइल्ड ऑफ टुडे डिमांड्स क्विक रिस्पॉन्सेस। हाँ, टेस्ट आज ले लिया, 5 दिन बाद कॉपी दे रहे हैं आप, नो नहीं चलेगा ऐसा। आप 6 दिन बाद कॉपी दे रहे हैं आप, नहीं चलेगा। आपको ऐसे मल्टीपल टेस्ट बनाने पड़ेंगे, ऐसे डिजाइन करने पड़ेंगे जिनमें बच्चों को इमीडिएट रिस्पॉन्स मिले। ही वॉन्ट्स क्विक रिस्पॉन्सेस, बच्चे को क्विक रिस्पॉन्स चाहिए आज के। अक्सर मैंने देखा है कि टीचर टेस्ट ले लेते हैं और 6-6, 7-7 दिन तक किताब कॉपियां उनके अलमीराज में पड़ी रहती हैं और बच्चे का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है उन मार्क्स के बारे में। सो फॉर टीचर ऑफ टुमारो दिस इज नो एक्सक्यूज, लेस वर्क एंड मैक्सिमम गेन्स। ये आज के बच्चे की फितरत है कि वो कम से कम मिनिमम काम करना चाहता है और मैक्सिमम वो फटाफट, आपने देखा है कि आप उसको कोई होमवर्क दीजिए, गूगल में जाता है, अपना सर्च मारता है, फटाफट कट कॉपी पेस्ट और पेस्ट कर देता है, आपके सामने असाइनमेंट सबमिट कर देता है। उसके लिए भी आपको होशियार होना है, आपको ऐसे क्वेश्चन देने नहीं जो गूगल से मिले। आप इतना एक्सप्लोरेटरी आंसर दीजिए जिसमें सर्वे इन्वॉल्व हो, आप ऐसा क्वेश्चन दीजिए जिसमें उसकी इमेजिनेशन इन्वॉल्व हो, आप ऐसा क्वेश्चन दीजिए जिसमें उसकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो। सो उसकी लेक्स वर्क और मैक्सिमम गेन्स वाली तरकीब को भी आप अगर होशियार टीचर होंगे तो चोट कर सकते हैं। एक और खतरनाक बात जो सामने आ रही है वो है नॉट रेडी टू एक्सेप्ट फेलियर्स। आज का बच्चा फेलियर एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं होता, क्योंकि कुछ तो हमारे मोटिवेशनल लेक्चर्स हैं, कुछ हमारे घर की सीख है कि हम फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करते। बट देयर इज नो सक्सेस विदाउट फेलियर, माइंड इट। दुनिया में अगर आपको सक्सेस पानी है तो फेलियर को एक्सेप्ट करना पहले सीखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है
एक इंटेलिजेंट व्यक्ति अपने फेलियर को कैसे एक्सेप्ट करता है, कैसे उसके साथ एडजस्ट होता है, यह उसकी सक्सेस को डिटरमाइन करता है। He should have resilience to come out of his failures. ये उसकी काबिलियत है। तो हमारे बच्चों के अंदर एक शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत ज्यादा फायर है, और एक्सेप्ट फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करने के पीछे कुछ तो हमारी टीचिंग्स हैं और कुछ हमारा फैमिली एनवायरनमेंट भी ऐसा हो गया है। हमारे डिमांडिंग बच्चे हैं और हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनसे रख रहे हैं, जबकि देयर इज नो सक्सेस विदाउट फेलियर। सो वी नीड टू वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। आई सपोज आई एम नॉट बोरिंग द व्यूअर्स, बट आई एम क्वाइट कंफर्टेबल नाउ टॉकिंग टू यू ऑल। I can see the note points. काफी viewers हैं। I like to call out the names. Dinesh sir, Aditya, Ashok, Sikha, Vinita Chaudhary madam, Meenu Joshi, Ashok Upreti, Manisa, Saroj Anandji, Meenu Joshi, Sikha, Priyanka, Anil Bhatt, Subrata Bhal, दिगर सिंह रोतेला, अशोक उप्रेति, प्रमिला, पूनम, कविता, पूनम, सुब्रा, कविता, श्वेता, हेमंत, नीरज कानपाल, गायत्री, उदिता, किरण पुरोहित। थैंक यू टू ऑल द लिसनर्स एंड ऑल द व्यूअर्स। आई विल ट्राई टू टेक अप सम क्वेश्चंस इफ पॉसिबल, बिकॉज आई डोंट हैव मच मैटर नाउ। मैं काफी बातें कर चुका हूँ अभी तक, थोड़ा सा दो तीन पॉइंट और रह गए हैं। चौथी बात मैं करने जा रहा हूं वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग टेक्निक। ये चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कल के टीचर के लिए जानने की जरूरत है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि आधे विद्यालयों में अपराध शिक्षक के कम्युनिकेशन स्किलफुल न होने की वजह से हो रहे हैं, मेरा यह अनुभव। हमारे टीचर को बहुत रिफाइंड होना चाहिए कम्युनिकेशन में, ताकि बच्चों के सेंटिमेंट्स हर्ट न हो। बहुत ही स्किलफुल होना चाहिए उसको, बहुत ही, और स्पेशली जब हम एडोलसेंट से डील कर रहे हैं विद्यालय के अंदर, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल पर मैं बात बात यह कहूंगा कि फॉर टीचर्स ऑफ टुमारो देर इज नो एक्सक्यूज फॉर दैम। कि अगर कम्युनिकेशन स्किल, अगर तुम नॉलेज भी गेन कर लेगा, अगर कम्युनिकेशन स्किल अगर इसकी इंप्रूव नहीं है, तो प्लीज डोंट लेट हिम टू एंटर विद इन द स्कूल प्रीमाइसेस। आई हैव सीन मेनी टीचर्स, दोज हु बिलिटल चिल्ड्रन, जिन दो टीचर्स को बच्चों को बहुत छोटा महसूस कराते हैं विद्यालयों के अंदर, और मैंने टीचरों को बच्चों के मोराल गिरते हुए देखे हैं विद्यालयों के अंदर। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि मैं काफी समय विद्यालयों के अंदर भी रहा हूं, जहां मैंने इन बातों को देखा है टीचरों के अंदर, तो मैंने देखा है कि कई बार टीचरों की कम्युनिकेशन इतनी पुअर होती है कि बच्चों को बहुत ही भद्दी भाषा में प्रयोग करते हैं और बहुत छोटा फील कराते हैं, जिसकी वजह से उनके मोराल डाउन हो जाते हैं। और कई बार कुछ बच्चे बहुत ही गुस्से वाले भी होते हैं, जो बच्चे वो मारपीट भी कर लेते हैं। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द नीड ऑफ द आर। इसको समझने के लिए आप देखिए कितनी तकनीक से, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए। तेनालीराम आपको मालूम है, जीनियस था, विटी पर्सन। वो किसी को एक ही बात, एक ही घटना है, किस तरीके से कह रहा है, देखिए, यू आर गोइंग टू सी द फ्यूचर ऑफ योर चिल्ड्रन। किसी व्यक्ति से कहता है कि तुम अपने बच्चों का भविष्य देखोगे, और कॉमन आदमी क्या कहता है, यू आर गोइंग टू डाई आफ्टर योर चिल्ड्रन। एक ही बात है, एक तरीके ये है, एक तरीका ये है। कहने का मतलब अपने बच्चों का भविष्य देखोगे, कहने का मतलब बच्चों के बाद मरोगे। उसने ये कहा कि यू आर गोइंग टू डाई आफ्टर योर चिल्ड्रन, जबकि तेनालीराम उसी बात को ये कह रहा है, यू आर गोइंग टू सी द फ्यूचर ऑफ योर चिल्ड्रन। दिस इज द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, दिस इज कम्युनिकेशन स्किल। Here we need to work for our teachers. This is a must. Counseling technique, बहुत important है।
और आज के समय में तो बहुत ज्यादा, जब हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं, जब हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं जहां हमारे पास कोई भी नहीं है, माँ बाप को पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है, स्कूल को पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है, ले दे के एक उम्मीद उसकी टीचर बन जाती है। यदि टीचर थोड़ा एम्पैथाइजिंग हो तो उस बच्चे की बात को समझ सकती है, बच्चे को सुसाइड करने से रोक सकती है, समझा सकती है, लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि टीचर को कुछ स्किल्स जाननी बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से वह बच्चे को काउंसिल करे, कैसे उसको समझाए, कैसे उसको बताए कि ये बात सामान्य है, ये बात तेरी उम्र के बच्चों में होती है बेटा, इसको तुम ऐसे लो, इसको तुम ऐसे लो, इसको तुम सो। मुझे ऐसा लगता है कि दो चीज़ों में बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही अनिवार्य ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक तो कम्युनिकेशन स्किल और दूसरी टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग पर। काउंसलिंग की टेक्निक हर टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होनी चाहिए कि हाउ टू हैंडल दी स्टूडेंट प्रॉब्लम्स, हाउ टू एम्पैथाइज विद देम, हाउ टू वर्क विद देम। और ये दोनों चीज़ों में मैंने देखे हैं कि हमारे विद्यालयों में चाहे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहीं पर भी कोई काम नहीं होता। हम आज भी महात्मा बुद्ध जॉन डी भी पढ़ाने में मशगूल हैं, लेकिन हम जो बेसिक चीज़ें जो विद्यालयों के अंदर पढ़ाई जानी चाहिए, जो ट्रेनिंग स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए, जिन बातों का एड्रेस होना चाहिए, वो बिल्कुल नदारद हैं। और यही वजह है कि आज हम बच्चों के अंदर इतना डिप्रेशन, इतना स्ट्रेस देख रहे हैं, इतनी परेशानियां देख रहे हैं। अक्सर क्योंकि मैं एक काउंसलर हूँ, काउंसलर भी हूँ, तो मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ और ये दोनों चीज़ें मेरे पास अक्सर आती रहती हैं। बड़े बड़े विद्यालयों के बच्चे बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं जब अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं। हमारे टीचर को ये दोनों चीज़ों की जानकारियाँ होना चाहिए कि 21st सेंचुरी में क्या करियर एवेन्यूज हैं, कैसे वो बच्चा आगे बढ़ सकता है, कैसे वो बच्चा चॉइस कर सकता है, कैसे वो बच्चे को आगे बढ़ना चाहिए, कैसे वो बच्चा अपने पर्सनल स्ट्रेस और पर्सनल प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सकता है। अगर हम अपने टीचर को ये सब ट्रेनिंग देंगे तो हमारा टीचर फॉर टुमारो तैयार होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे टीचर्स फॉर टुमारो के लिए के अंदर होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट और आखिरी पॉइंट मैं जो लेने जा रहा हूं, क्योंकि अर्जुन बिस्ट जी ने मुझे 5 बजे तक का समय दिया है, हो सकता है मैं उनसे अनुमति चाहूंगा, 2-4 मिनट मेरे फालतू हो सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी समय सीमा के अंदर रहना चाहूंगा कि ताकि आपके समय का सम्मान किया जाए। लास्ट इज मल्टी फेसेड नेट एंड मल्टी टास्किंग, बहुत इंपॉर्टेंट। आज का टीचर यानी कि भविष्य का टीचर यह ऐसा होना चाहिए, मल्टी फेसेट होना चाहिए। मल्टी फेसेट मतलब बहुमुखी होना चाहिए। उसको ऐसा नहीं कि सर मुझे तो मैथ्स पढ़ाने के लिए नियुक्त किया, मैं मैथ्स के अलावा कुछ नहीं जानता, मैं स्पोर्ट्स नहीं जानता, मैं ड्राइंग नहीं जानता, मैं फला नहीं जानता। उसको झंडे बांधने से लेकर विद्यालय के अंदर उसको घंटी बजाने तक हर काम में माहिर होना चाहिए, ऐसा शिक्षक होना चाहिए, मल्टी टास्किंग होना चाहिए। ये डिमांड है आर की, और वक्त में आने वाले समय में जो जितना मल्टीटास्क करेगा उसकी पहली अपॉइंटमेंट होगी। आप ये बात को मान के चलिए। अगर आप सोचें कि मैं मैथ्स का टीचर हूं, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता, नहीं चलेगा। यू विल हैव टू बी मल्टीडिसिप्लिनरी इन अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी होना पड़ेगा, इंट्राडिसिप्लिनरी होना पड़ेगा। Even you have to be transdisciplinary and cross-disciplinary. एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन की जानकारी आपको होनी चाहिए। You must know how to teach English with sports. You must know how to teach drawing with some history. You must know how to teach history. History के अंदर आप architecture पढ़ा रहे हैं तो आपको drawing की भी knowledge होनी चाहिए। तो इतना versatile होना चाहिए, multifaceted होना चाहिए। तो हमारे आने वाले शिक्षक, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं फ्रेम्स ऑफ माइंड में, हॉवर्ड गार्डनर जो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक ही कहना ठीक रहेगा, उन्होंने अपनी किताब 1983 में लिखी फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिनमें उन्होंने हमारे अंदर इंटेलिजेंसेस की बात करी। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के अंदर एक इंटेलिजेंस नहीं है, देयर आर मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। दोबारा मेरी बात सुनिए, वी नाउ टॉक ऑफ इंटेलिजेंसेस नॉट इंटेलिजेंस। आज से 150 साल 200 साल पहले हम बात करते थे जनरल इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, फला इंटेलिजेंस, क्रिस्टल इंटेलिजेंस। नाउ वी टॉक इंटेलिजेंसेस।
So a child has 8 kinds of intelligences within him. 8 किस्म के इंटेलिजेंसेस हैं, अभी तक 8-9 किस्म के इंटेलिजेंसेस का ही पता लगाया है, और वो उनके वो एक बुक उन्होंने लिखी, उसको कहते हैं फ्रेम्स ऑफ माइंड 1983 में हॉवर्ड गार्डनर ने, उसके अकॉर्डिंगली बच्चे के अंदर ये 8 किस्म के इंटेलिजेंस विद्यमान हैं, लेकिन उसको जैसा इन्वायरमेंट मिलता है, जिस तरीके की उसकी ग्रूमिंग होती है, उसका वो पार्ट डेवलप करता है। यदि मैं एक म्यूजिकल फैमिली के अंदर डेवलप हो रहा हूँ तो मेरा म्यूजिकल इंटेलिजेंस डेवलप होने लगेगा, यदि मैं एक स्पोर्टी फैमिली के अंदर जहाँ मेरे मदर फादर अगर कोई एथलीट है तो हो सकता है मेरे अंदर काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट ज़्यादा हो। तो बच्चों के अंदर इसीलिए हम बार बार, मैं थोड़ा सा समझ ले रहा हूँ, इसीलिए हम बार बार मल्टी फेसेट स्कूल्स की बात कर रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल स्कूल्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पर बच्चों के ये 8 किस्म की इंटेलिजेंस को एड्रेस होने का मौका मिले, ऐसे विद्यालय होने चाहिए। ऐसा संभव नहीं है, कम से कम हमारे वहाँ 4-5 किस्म की अपॉर्चुनिटीज बच्चे के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, और ऐसा तभी संभव है जब हम हर विषय के लिए अलग अलग टीचर रखना है, स्कूल के लिए मुश्किल होगा। इसलिए हमारा टीचर, आने वाले समय का टीचर, कोई ना कोई विधा और भी विधाओं में निपुण होना चाहिए। इसी की वजह से NCT बार बार म्यूजिक का टीचर, लिटरेरी का टीचर और ये फला टीचर, NCT ने टीचर की संख्या भी बढ़ाई है, ताकि जो आगामी जो नया टीचर ट्रेन हो रहा है वो हर चीज में निपुण हो, उसको फाइन आर्ट्स में भी निपुण हो, वो स्पोर्ट्स में भी निपुण हो, वो टीचिंग में भी निपुण हो, वो क्राफ्ट में भी निपुण हो, ऐसा बनाया गया है, ऐसी परिकल्पना की गई है। लेकिन वस्तुतः यह आज कितना संभव है सभी को मालूम है, लेकिन टीचर्स ऑफ टुमारो जब कल आएगा, जब कल का शिक्षक होगा, जो डिमांड होगी, जो आने वाले विद्यालयों के लिए जरूरत होगी, वो होगा एक मल्टीटास्किंग टीचर की। सो मल्टीटास्किंग टीचर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपनी बात इन्हीं सब बातों से साथ ख़त्म कर रहा हूँ, थोड़ा सा और रह गया है बस, इसके साथ मैंने आपको पहले ही बता दिया ये 5 बिंदु जो मैं महत्वपूर्ण समझता था, मैंने आज उन पर व्याख्यान दिया है। इसके अलावा टीचर ऑफ टुमारो शुड बी असर्टिव एंड कॉन्फिडेंट, शुड हैव रिच वैल्यू सिस्टम, should learn to handle crisis, should love himself and pay attention to his health, and should learn to induce happiness. सबसे important है happiness भी उसके अंदर रहे, और happiness कहाँ आती है एक लंबा विषय है, इस पर कभी फिर व्याख्यान देंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने इस व्याख्यान के लिए सिटी लाइब्रेरी हल्द्वानी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं अपनी बात को उनके सामने रख पाया। और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो, मैं सभी व्यूअर्स को नाम लेना संभव नहीं है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय मुझे दिया और मेरा प्रोत्साहन किया। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू द स्टूडियो। मुझे एक प्रश्न मिला है, एक प्रश्न आया, हाउ टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऑफ ए चाइल्ड इन द क्लासरूम, एनी सजेशन? कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऑफ ए चाइल्ड कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड इन द क्लासरूम, वेरी क्लियर इट इज। कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऑफ ए चाइल्ड इज अ प्रैक्टिस दैट कुड बी डेवलप्ड थ्रू मेडिटेशन, थ्रू इंटरनल प्रैक्टिसेस एंड थ्रू डेवलपिंग योर होम एनवायरमेंट, दैट कुड हेल्प यू हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप हिज कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन की जहां तक बात है कलावती जी, आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि कॉन्सेंट्रेशन हर उम्र के बच्चों का अलग अलग होता है। यदि आप सोचें कि मेरा 5 साल का बच्चा 2 घंटे की कॉन्सेंट्रेशन कर ले या 1 घंटे का कॉन्सेंट्रेशन कर ले, ऐसा संभव नहीं है। बच्चों के अंदर उनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंगली कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है। यदि बच्चे में यदि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अदरवाइज नहीं है, तो एक बच्चे का 7 से 8 मिनट का कॉन्सेंट्रेशन पीरियड होता है, 6 से 7 मिनट का। और इतना यदि आपका बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है तो इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हो सके तो उनको अच्छी प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन, शांत रहना, बोलना सिखाइए, या अपने आप में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के तकनीकियाँ हैं। और विद्यालय में कोई भी ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जा सकता है।